प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यूहन्ना अध्याय 2 का 13 से 22 वचन लेकर आई हूँ, मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इन वचनों में कि उन दिनों यहूदियों के फसे का पर्व निकट था, अर्थात फसे के पर्व के ही दिन चल रहे थे। तब वहाँ यीशु प्रभु यरूशलेम को गए और वहाँ यीशु ने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। यह सब देखकर यीशु को बहुत क्रोध आया। तब उसने रस्सियों को कोड़ा बनाया और सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे भी बिखेर दिए और उनकी पीड़ों को भी उलट दिया, जहां बैठकर वह यह सब काम कर रहे थे। और कबूतर बेचने वालों से कहा कि यहां से चले जाओ, और परमेश्वर ने कहा कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, अर्थात वहां वे लोग व्यापार कर रहे थे। कोई परमेश्वर के वचनों को या उसकी आज्ञाओं को स्मरण ही नहीं किए हुए था, परंतु सब अपनी ही धुन में अपनी ही संसारिक वस्तुओं की खरीद फरोख में लगे पड़े थे, जबकि वह स्थान परमेश्वर का आराधनालय था, जहां केवल परमेश्वर के वचनों का, उसकी आज्ञाओं का ज्ञान दिया जाता था। परंतु उस समय वहां ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि और ही संसारिक गतिविधियों में सब लगे हुए थे। मेरे प्रियो, कभी कभी हम मनुष्य भी धार्मिकता का झूठा मुखौटा पहने संसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तथा परमेश्वर को मानते हुए जानते हुए भी उसको अपने मनों में स्थान ही नहीं देते और ऊपरी मन से केवल उसका नाम ही लेते हैं, परंतु भीतर हमारे संसार छिपा रहता है, जिसका हम पर गहरा प्रभाव होता है। अर्थात बाइबल तो हाथ में होती है, परंतु हृदय में कुछ भी नहीं, केवल संसार भरा पड़ा होता है, और संसार का चाल चलन हमें उद्धार नहीं दे सकता, जीवन नहीं दे सकता। जीवन और उद्धार तो केवल वचन तथा वचन में बने रहने से, परमेश्वर को और उसकी आज्ञाओं को स्मरण रखने से ही मिलता है। जैसे वे व्यापारी आराधनालयों में तो गए, परंतु परमेश्वर के वचन और उसकी शिक्षा के लिए नहीं, परंतु अपनी ही लालसाओं के कारण वह वहाँ संसारिक गतिविधियों में लगे पड़े थे, और परमेश्वर का स्थान व्यापार का स्थान बन गया। जैसे आज मनुष्य का हृदय भी परमेश्वर का मंदिर है, परंतु मनुष्य ने उसे संसार की बुरी बातों से, लालसाओं से और बुराइयों से भर दिया है, और उसमें परमेश्वर कहीं है ही नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार व्यापारियों ने किया, जिसे देखकर प्रभु यीशु को क्रोध आया। इस पर यहूदियों ने प्रभु यीशु से कहा कि तू जो यह कहता है, हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने तब उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ऐसा वाद विवाद यहूदियों ने यीशु से किया कि तू कहता है यह पिता का घर है, हम पर सिद्ध कर। तब प्रभु ने 3 दिन में मंदिर को फिर से बनाने की बात की। इस पर यहूदियों ने फिर से कहा कि इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे और कैसे तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। वह यहूदी लोग मंदिर की इमारत जो ईंट पत्थर से बनी है, उसकी बात कर रहे थे, परंतु प्रभु यीशु 3 दिन में इमारत की नहीं, बल्कि अपनी देह के विषय कह रहे थे। यह वही देह है मेरे प्रियो, जिसमें परमेश्वर का सच्चा स्थान है, अर्थात मनुष्य का शरीर ही परमेश्वर का सच्चा मंदिर है, कोई इमारत या बिल्डिंग नहीं। जैसे आज लोग मंदिरों में, इमारतों में परमेश्वर को ढूंढते हैं, परंतु असल में तो परमेश्वर हमारे हृदयों में वास करता है, और हृदय को हमें संसारिक बुराइयों से, संसारिक चाल चलन से नहीं भरना चाहिए, वरन उसमें परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान मिलना चाहिए। यही है सच्ची उपासना, ना कि इमारतों में जाकर व्यापार करना तथा झूठी धार्मिकता का मुखौटा पहने रहना।
और परमेश्वर को कोई स्थान ही नहीं देना अपने हृदयों में। प्रभु यीशु भी इस वचन में यही समझाना चाह रहे थे उन्हें कि परमेश्वर का घर व्यापार का घर नहीं है, अर्थात मनुष्य की देह संसारिक लोभ लालसाओं के लिए नहीं है जिसमें तुम जो चाहो भरो और पाप करो। परमेश्वर का स्थान अर्थात मनुष्य की देह उसकी उपासना के लिए है, उसकी आज्ञाओं से भरकर पवित्र जीवन जीने के लिए है, जिससे हमारा सही मायने में मन फिराव हो सके तथा पूरा पूरा उद्धार भी। परंतु आज मनुष्य अपने मनों में संसार की हर बुराई भरे बैठा है, लालसाओं से भरा हुआ जीवन जीता है और परमेश्वर का उसके वचनों का कोई स्थान ही नहीं है, जो कि एक गलत धारणा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य का शरीर परमेश्वर का असली मंदिर है तथा उसे डाकुओं की खो ना बनाए, उसे सच्ची आराधना के लिए पवित्रताई के लिए भेंट करे, तभी आप एक सच्ची धार्मिकता में जीकर एक सच्चे मसीह बन पाएंगे। अतः जब प्रभु यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को फिर स्मरण आया कि उसने यह कहा था कि मैं 3 दिन में इस मंदिर को फिर से बना दूंगा। यही थे वो 3 दिन मेरे प्रियो जिसके विषय प्रभु यीशु ने कहा था, क्योंकि यीशु की देह ही पवित्र परमेश्वर का स्थान है। तो मेरे प्रियो, हमें सीखना है इस वचन से कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे संसारिक बुराइयों से तथा लालसाओं से नाश ना करें। उसने हमें जीवन दिया है तो वे हमें भरपूरी भी अवश्य देगा। कभी किसी भली वस्तु की वे हमारे जीवन में कमी नहीं आने देगा, तो फिर लालसाएं कैसी, अभिमान कैसा, जब ये देह उसकी है, ये जीवन उसका है, ये सांसें उसकी हैं, तो क्यों इसे बुराइयों से भरें, बल्कि पूरे मन से पूरी सच्चाई से उसे आराधना करें तथा उसके वचनों को उसकी आज्ञाओं को ही प्रथम स्थान दें। तभी हम एक सिद्ध तथा फलवंत मसीह बन पाएंगे और अनंत जीवन में भी प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर का मंदिर व्यापार का घर नहीं है मेरे प्रियो, अर्थात मनुष्य की देह बुराइयों के लिए नहीं है, वरन उसकी स्तुति आराधना के लिए है। जब इस देह का सही उद्देश्य हम पूरा करेंगे, अर्थात जिस लिए यह बनाई गई है, जब वही उद्देश्य पूरा किया जाएगा, तो फिर कैसी बीमारी, कैसी तकलीफ और कैसी निराशा। अपनी देह को परमेश्वर का मंदिर बनाए और उसके रचने वाले को उसमें प्रथम स्थान दें, फिर देखें कैसे आप आनंद से भरा एक विजयी जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।